दिल्ली एनसीआर में कोहरे का अटैक, सुबह 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। रेल यातायात पर कोहरे का असर, 22 ट्रेनें लेट, उड़ानों में देरी। हिमाचल के कुल्लू में ताजी बर्फबारी, मलाना इलाके में कई इंच गिरी बर्फ। कुल्लू जिले में स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट, कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे। सोलंग में भारी बर्फबारी, पूरे इलाके ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। माता वैष्णो देवी के दरबार में बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने उठाया लुत्फ। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में एक बार फिर बर्फबारी, बिजली और पानी का संकट गहराया। लाहौल स्पीति के जोबरंगा इलाके में पुल पर जमी बर्फ, बर्फ को हटाने का काम जारी। सहारनपुर में सर्दी का सितम जारी, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में बर्फीले अटैक से गुजरी ट्रेन, मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। हिमाचल के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, कई इलाकों का कटा संपर्क। जूनागढ़ में बेकाबू कार ने बाइक सवार को कुचला, खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार की मौत। खगड़िया में यात्रियों से भरा ऑटो ट्रेन की चपेट में आया, ऑटो के ओढ़े पर खिंचे। फतेहाबाद में मसाज पार्लर के आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, 10 युवतियों को किया गिरफ्तार। रुटनौदा में लूट का विरोध कर रही बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी फरार। रामगढ़ में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। अलीगढ़ में युवक ने घर में घुसकर महिला से पर चाकू से किया हमला, लोगों ने पकड़कर पीटा। गाजीपुर में युवक ने महिला पर किया जानलेवा हमला, बाद में खुद भी दी जान। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। रामपुर में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपी फरार। कानपुर में हीरा व्यापारी के यहां सीबीआई की छापेमारी, करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। झांसी में बांध के ओवरफ्लो होने से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडे के खिलाफ अलीगढ़ में मामला दर्ज, सावरकर पर की थी अभद्र टिप्पणी। प्रयागराज में साधु संतों ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, कहा कानून आए और कड़ाई से पालन भी हो। सीतापुर में ग्राम पंचायत अधिकारी पर रेप का आरोप, मामला दर्ज। चंदौली में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई मामलों में था वांछित। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीए का विरोध करने वाले छात्रों के बीच पहुंची वीसी की पत्नी, धरना खत्म करने की अपील। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर प्रति बस, 15 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में खुदाई के दौरान मिली तोप पर सरकार और किसानों के बीच टकराव, दोनों कर रहे हैं अपना अपना दावा। हरदोई में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर दबंगई का आरोप, निर्माणाधीन घर का पिलर गिराते हुए वीडियो वायरल। अलीगढ़ में वकील की हत्या के आरोप में भतीजा गिरफ्तार, तमंचा बरामद। महाराजगंज में महिला की गैंग रेप के बाद हत्या, 5 के खिलाफ मामला दर्ज। महोबा में महिला के प्रेमी के नाबालिग बेटे को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंधों के चलते हत्या। नालंदा में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, 80,000 की लूट। सीए को लेकर घमासान जारी, आज सुप्रीम कोर्ट में सीए से जुड़ी 144 याचिकाओं पर सुनवाई। कई संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने सीए के खिलाफ डाली है याचिका, इंडियन मुस्लिम लीग अजहरुद्दीन ओवैसी के अलावा कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस की याचिका। याचिका में सीए को बताया संवैधानिक दो याचिका सीए के समर्थन में। दिल्ली में देर रात सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, करीब 30 महिलाएं हुई शामिल। प्रदर्शन को लेकर महिलाओं और पुलिसकर्मियों में हुई बहस, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी जटे एलजी से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात। बैठक के बाद प्रदर्शनकारी टीम का फैसला, जारी रहेगा धरना लेकिन स्कूल बसों के लिए छोड़ेंगे रास्ता। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की अपील, अगर सरकार नहीं भेजेगी प्रतिनिधि तो 29 जनवरी को करें भारत बंद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के महासचिवों के साथ मीटिंग, सीए के समर्थन में चल रहे कैंपेन को लेकर समीक्षा। प्रदर्शन पर अमित शाह का दो टूक, नहीं वापस लेंगे सीए, कांग्रेस पर लगाया लोगों को भ्रम में डालने का आरोप। दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन पर भड़के बीजेपी सांसद जीवी नरसिम्हा राव, कहा राम मंदिर के बहाने हो रहा विरोध। सीए प्रदर्शन पर हिंसा को लेकर विपक्ष पर योगी ने साधा निशाना, कहा पैसा लगाकर आग लगाने की प्रायोजित साजिश। सीए के खिलाफ 28 जनवरी को जयपुर में राहुल की रैली, सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद। सीए को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के 9 विश्वविद्यालय की ओर से आज बंद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की वजह से लिया गया फैसला।
उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के स्कूलों में 26 जनवरी से संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य, प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ होगा। लखनऊ में घंटाघर पर मुस्लिम महिलाओं का सीए पर प्रदर्शन जारी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीए के खिलाफ हैदराबाद में निजामिया टिब्बी कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन, 15 दिन से जारी है विरोध। अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने सीए के खिलाफ जमकर किनारेबाजी, कानून वापस लेने की मांग। किशनगंज में 7 दिनों से दिनरात मुस्लिम महिलाओं का धरना, कहा कानून वापस लेने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश का भोपाल भी बना शाहीन बाग, प्रदर्शन को दिया भोपाल शाहीन बाग का नाम। जावा में सीए और एनआरसी का प्रदर्शन कर रही पुलिस के साथ महिलाओं की झड़प, पुलिस ने आसपास के लोगों पर किया लाठीचार्ज। अहमदाबाद में भी मुस्लिम महिलाओं का दिन रात प्रदर्शन जारी, बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल। पटना में सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सीपीआई स्वराज इंडिया समेत कई पार्टियों के नेता शामिल। आजमगढ़ के करबला मैदान में छात्र छात्राओं को विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रयागराज में हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर दिखी, एक ओर मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन तो दूसरी ओर सीए के विरोध में हवा। बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन शाहीन बाग की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना। नवादा में नागरिकता कानून के खिलाफ मार्च, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। हाजीपुर में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, दो लोग जिंदा चले। यहां के कैमूर में ट्रेन में महिला से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप, लोगों को परेशानी। चंदौली में पुलिस जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन की ट्रेनिंग, सीआरपीएफ जवान सिखा रहे गुर। हालांकि छोटे से गांव की छात्राओं का तैयार रोबोट, अमेरिका के कंपटीशन के लिए हुआ सिलेक्ट, हिंदुस्तान में अव्वल रही छात्राएं। हापुड़ में स्कूल में आग को लेकर किया गया मॉक ड्रिल, स्कूल की छात्राओं ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में टूसू पर की धूम, लोगों ने मनाया जश्न। जबलपुर में सारंग गन का सफल परीक्षण, अंधेरे में भी करेगी दुश्मन पर वार। खरगोन में हैंड ग्रेनेड फटने से एक शख्स की मौत, मौके पर बम स्क्वाड मौजूद। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शाहीन बाग की तर्ज पर सतना में भी मुस्लिम महिलाओं की बेमियादी हड़ताल, नागरिकता कानून वापस लेने की मांग। यूपी में कैबिनेट मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले, खेत में किसान की मौत होने पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। इंदौर में जिन ट्रेनर की निकली अनोखी बारात, शेरवानी पहनकर दूल्हे ने लगाई दौड़, साथ में दौड़ते दिखे बाराती। फरीदाबाद में दुकान से 4 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार, बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अंबाला में चोरों ने घर में की 70 से 80 लाख की लूट, सोना चांदी कैश और सामान पर हादसा। पंचकुला में ईडी कोर्ट में हुई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पेशी, एजेल केस से जुड़ा मामला। अंबाला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर, समारोह में 19 स्कूल के बच्चे लेंगे हिस्सा। सिरसा में सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा पर भड़के डिप्टी कमिश्नर, सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों के शौचालयों में लगवाया ताला।